प्रेमी ने धर्म बदलकर दिया प्रेमिका को धोखा। किसी ने सही ही कहा है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार में अगर धर्म बदलकर किसी लड़की को धोखा देकर भाग जाया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे। एक ऐसा ही मामला आज बोकारो में सामने आया है, जहां धनबाद हीरापुर की रहने वाली सीता कुमारी अपने प्रेमी की खोज करने के लिए उपायुक्त कार्यालय के चक्कर काट रही है। पीड़िता सीता कुमारी ने बताया कि 6 वर्ष पूर्व फोन के माध्यम से उसका प्यार आदित्य राजवंशी से हुआ था, लेकिन 3 वर्ष बाद आदित्य ने बताया कि वह हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है और उसका नाम साकी अंसारी है। वह चंदन क्यारी का रहने वाला है। बावजूद इसके सीता सकी को अपनाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसे धोखे के अलावा और कुछ नहीं मिला। 6 वर्ष में धर्म छुपाकर सीता के साथ हुआ हर गलत काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। सीता कुमारी ने बताया कि सकी अंसारी चंदन क्यारी ब्लॉक में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। वह उससे मिलने के लिए धनबाद से अक्सर चंदन क्यारी आया करती थी। इस दौरान दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया। जब प्यार का परवान चढ़ता सकी ने देखा तो सीता से पीछा छुड़वाने के लिए उसने अपना धर्म और नाम उसे भी बता दिया, लेकिन सीता सब कुछ जाने के बावजूद उसके धर्म के पाबंदियों को तोड़कर उसके साथ शादी रचाने की सोच ली। 3 दिन पहले वह चास के तारानगर, जहां वह धर्म छुपाकर रहता था, उसे मिलने पहुंची। इस दौरान दोनों में शादी को लेकर झगड़ा भी हुआ। सकी ने उसे मर जाने की बात कही तो उसने अपना हाथ का नस काट लिया। उसके बाद शाम को ड्यूटी से लौटने के बाद सीता का उसने इलाज भी कराया। उसके बाद युवक ने अपने परिजनों से शादी के लिए बात भी की और वह तैयार भी हो गए। आज सीता को मंदिर में शादी करने की बात कहकर अपने बाइक में बैठाकर वह मंदिर ले जा रहा था। इस दौरान मंगलसूत्र और सिंदूर खरीदने की बात कही, उसे सड़क पर उतार कर वह गाड़ी लेकर फरार हो गया। उसके बाद सीता दर दर की ठोकर खाकर अपने प्रेमी को खोज रही है। इस दौरान वह चास महिला थाना भी गई, जहां महिला थाना पुलिस उसके मकान तक पहुंची, लेकिन महिला थाना की पुलिस ने सीता को ही उल्टी गलत गलत बात कहकर फटकार लगाई और उसे बेरंग धनबाद लौट जाने की बात कही, लेकिन सीता हार नहीं मानी और उपायुक्त कार्यालय में उसे खोजने पहुंची। हालांकि उपायुक्त कार्यालय के लोगों ने उसे जरूर बताया कि वह अक्सर यहां मीटिंग में आया करता था। सीता चाहती थी कि उसे उसका प्यार मिल जाए, वह खुशी खुशी उसके साथ रहना चाहती थी। अब देखना यह है कि धर्म छुपाकर लड़कियों को जाल में फंसाने वाले इस युवक पर प्रशासन और पुलिस क्या कार्रवाई करती है, या फिर सीता को जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए छोड़ देती है, या फिर सीता को एक बार फिर अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। सीता कुमारी कहाँ रहती है? हीरापुर में, धनबाद। क्या हुआ? जिससे हम प्यार करते हैं वो 6 साल से रिलेशनशिप में हमको रखा है, बोला था शादी करेंगे, हम लोग के बीच में मिलना जुलना होते रहता था। उससे मिलने के लिए यही चंदन क्यारी आते थे मिलने के लिए, रेंट किराए में रहता है। किससे प्यार? आदित्य। वो कहाँ रहा? साकी अंसारी नाम उसका, साकी अंसारी, और रहने वाला चंदन क्यारी का, और ऐसे रेंट पे रहता है ये महावीर चौक तारानगर, महावीर चौक तारानगर के पास में रहता है रेंट पर, वो जॉब करता है। आप यहाँ डीसी कार्यालय आए हैं क्यों? यहाँ पर उनको ढूंढने के लिए आए हैं कि यहाँ से कुछ पता लग जाए। क्या बोले थे? यहाँ पर बोले कि हाँ पहचानते हैं, यहाँ काम करता है और यहाँ पर आता भी है मीटिंग में, कभी कभी यहाँ पर आना जाना करता है, तो इसीलिए वो हमको बोले भी थे कि यहाँ पर हम काम करते हैं, इसीलिए ये इनका मतलब व्हाट्सएप हमको किए तो वो हमको याद है और इसीलिए हम उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए, उनको ढूंढने के लिए। जब लिविंग से रिलेशन है तो फिर उनको क्यों ढूंढ रहे हो, कहाँ है? हम 3 दिन से उसी के साथ में थे यहाँ महावीर चौक तारानगर में उनके साथ में, और उनके बीच में फिर रात में झगड़ा भी हुई थी, इसके कारण हम हाथ भी काटे थे। वो बोले शादी अब नहीं कर सकते तुमसे, तो हम बोले क्यों नहीं कीजिएगा, उतना साल से हम रिलेशनशिप में 6 साल से हैं, ऐसे कैसे छोड़ दीजिएगा। आप बोले थे कि हमको नहीं छोड़िएगा, लेकिन कैसे छोड़ सकते हो, ऐसे बोला नहीं नहीं रह सकते हैं तुमको।
तुम चली जाओ, तुम मर जाएगी तो कोई गम नहीं है। तो उसी समय हम हाथ काटे और वो फिर शाम को ले गया हमको मेडिकल, मेडिकल में वही दवा दिया और पट्टी उट्टी बनवाया। फिर उसके बाद हमको रूम ले गए। फिर कल रात देर रात में रात भर हम रहे उनके साथ। फिर वो बोले कि ठीक है हम लोग शादी करेंगे। फिर अपने घर वाले को फ़ोन भी किए थे कि ऐसा ऐसा मैटर है, आप लोग थाना पहुँचिए। तो हम बोले हाँ, वो बोला कि ठीक है चलो थाना, जो भी कुछ होगा थाना में होगा। बोले ठीक है हमको मंजूर है चलिए। तो वो पता नहीं फैमिली से बात किए हैं, उन लोग बोले ठीक है। उसके बाद में कौन उसके भैया का फ़ोन आया, फिर उन लोगों में क्या क्या बात हुई। फिर उसके बाद में वो लड़का बोला कि ठीक है चलो।